नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया एक और नई वीडियो जो कि Redmi Note 8 के ऊपर होने वाली है, जिसके लिए एक और बिल्ड आ चुकी है। Evolution X का एक नया अपडेट आया है जिसमें आपको Android 14 स्टेबल वर्जन में देखने को मिल जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है पिछले अपडेट के मुकाबले, इस अपडेट में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है और क्या क्या बग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बैंकिंग एप्स कैसे रन करेंगे, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है Redmi का Note 8 और अभी हम इसमें यूज कर रहे हैं Evolution का X जो कि Android 14 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाता है और काफी बढ़िया स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। कोई लैग कोई बग्स आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। Evolution X का वर्जन है 9.2 का और सिक्योरिटी पैच आपको इसमें जुलाई 2024 का देखने को मिल जाता है। इस टाइम लेटेस्ट पे कर्नल वर्जन यूज हो रहा है 6.2 का, यहाँ पे आपको 4.14 का देखने को मिल जाता है, उसमें कोई आपको इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात किया तो परफॉर्मेंस आपको काफी स्मूथ देखने को मिलेगा। जैसे देख पा रहे हैं UI पे काम किया गया, UI में काफी स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा। एप्स वगैरह में आपको काफी स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी आपको काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। नो डाउट आपको यहाँ पे UI में कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ऐप में आपको कोई क्रैश देखने को मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। चेंजेस की बात किया तो चेंजेस आपको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। A to Z आपको एंड्रॉइड 14 के सारे सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल और आपको एंड्रॉइड 14 के देखने को मिल जाएंगे, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन की बात की एवोल्वर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे। सारे कस्टमाइजेशन आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 14 के सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। सेफ्टी नेट आपको इसमें पास देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे एक बार चेक करा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेफ्टी नेट पास देखने को मिल जाता है, इसका मतलब आप बैंकिंग ऐप को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। बैंकिंग ऐप यूज करने में कोई आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। डिवाइस सर्टिफाइड की बात किया तो डिवाइस आपको यहाँ पर सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे एक बार चेक भी करा देता हूँ आपको। जैसे देख पा रहे हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड, कोई भी बैंकिंग ऐप को आप यहाँ यूज कर पाएंगे, कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूट की बात किया तो रूट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर रूट भी चेक कराता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से परमिशन अलाउ कर देता हूँ। जैसे आप रूट का वेरिफिकेशन करेंगे आपको यहाँ पर रूट का एक्सेस डिनाइड देखने को मिल जाता है, यानी कि रूट का एक्सेस नहीं है, आपका फोन रूट नहीं है। तो बैंकिंग ऐप अब यहाँ पे यूज कर पाएंगे, स्मूथनेस आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, एनिमेशन काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात किया तो कैमरा आपको यहाँ पे MIUI का देखने को मिल जाता है। जैसे ही देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सारे मोड यहाँ पे वर्क देखने को मिल जाएंगे, इससे आपके सारे मोड वर्क भी देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पे 48MP का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, आप इसको यूज कर पाएंगे। वीडियो में जैसे आप आते हैं तो वीडियो में आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, 1080 का सपोर्ट 60fps पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 4K 30fps पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे 720 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 30fps पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप इससे। बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर पाएंगे और सारे स्टेप आप फॉलो करके इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।